नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अनमैप की प्रोसेस कैसे की जाती है ऑनलाइन। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, जब भी हम किसी स्टूडेंट को टीसी देते हैं अपने स्कूल से, तो उसे हमें अनमैप भी करना होता है ताकि वो दूसरे स्कूल में जा करके अपनी मैपिंग करा सके या एडमिशन ले सके। जब हम दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कोई स्टूडेंट दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उसे मैपिंग करानी होती है, और वो मैपिंग तब तक नहीं होती जब तक वो अपने प्रीवियस स्कूल से अनमैप ना हो जाए। तो आज अनमैपिंग की प्रोसेस समझेंगे कि कैसे आप अनमैप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको समग्र शिक्षा पोर्टल पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको राइट साइड में ये एरो दिखाई दे रहा है, लॉगिन के लिए है ये एरो, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यूजर नेम जो है अपना यहाँ पर फिलअप कर देना है, पासवर्ड फिलअप करेंगे, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों अगर प्राइवेट स्कूल है तो PSID जो होती है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, और उसके साथ में आपको अपना पासवर्ड डालना है। गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं, तो जितने भी टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उन सबके पास यूनिक आईडी पासवर्ड होती है। तो उस यूनिक आईडी, किसी भी यूनिक आईडी से आपका यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा। जितने भी टीचर हैं किसी की भी आईडी से आप इस अपने स्कूल को लॉगिन करके देख सकते हैं, मैपिंग अनमैपिंग की प्रोसेस को कर सकते हैं। तो चलिए आपको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों लॉगिन करने के बाद स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एडमिशन मैनेजमेंट लिखा हुआ है। इस एडमिशन मैनेजमेंट में ही आपको मैपिंग और अनमैपिंग की सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। चलिए एडमिशन मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को TC रजिस्टर्ड या अनमैप करने की प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मैंने रजिस्ट्रेशन एडमिशन से संबंधित जो न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B और प्रमोट स्टूडेंट फॉर्मेट 1AH जो है, यहाँ पर 1A लिखा हुआ है, ये दोनों की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसे आप देख सकते हैं। तो अभी हम जो चीज़ करने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं TC मैनेजमेंट के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट टू कैंसल एडमिशन, इस वाले ऑप्शन का यूज़ आपको करना है, और इश्यू TC ऑफ स्टूडेंट ये भी लिखा हुआ है ऑब्लिक करके, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसे ही अनमैपिंग की प्रोसेस कहा जाता है कि जब आप ऑनलाइन किसी स्टूडेंट को फिट कर देते हैं TC के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर आप सिलेक्ट करेंगे 2023-24, जो कि अभी करंट एकेडमिक ईयर है। इसके बाद रिसेंटली आपको यहाँ पर समग्र आईडी डालनी होगी स्टूडेंट की। तो दोस्तों हम यहां पर गेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहां पर स्क्रीन एक बार फिर ब्लैक हो चुकी है, मैंने फिर से इस पर क्लिक किया है। अब हम एक बार जाकर के देखेंगे। तो दोस्तों ऐसे में कभी कभी मैपिंग अनमैप की प्रक्रिया पूरी भी हो जाती है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट के लिए। तो उसको चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ रोल लिस्ट में जाएंगे और रोल लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है, और इसके बाद किस क्लास के स्टूडेंट की आपने समग्र आईडी डाली थी और उसे अनमैप किया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और व्यू एनरोलमेंट स्टूडेंट पर डिटेल पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जब हमने यहाँ पर लिस्ट देखी तो अभी भी स्टूडेंट का नाम जो है यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा कभी कभी होता है सर्वर इशू के कारण। तो एक बार फिर से हम अनमैपिंग की प्रक्रिया करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कभी कि जैसे कई स्टूडेंट की जो है दोस्तों आप अनमैपिंग करेंगे तो वो होती नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी मैपिंग करना जरूरी है, उसके बाद फिर उसकी अनमैपिंग होगी। जैसे मान के चलिए आपके स्कूल में कोई स्टूडेंट है, जैसे 6वें नंबर का स्टूडेंट है, तो हम उसे या तो फेल करेंगे या पास करेंगे, और यहाँ से हम ओके कर देंगे तो ये अगली क्लास में चला जाएगा, या फेल करेंगे तो इसी क्लास में रह जाएगा, फिर इसके बाद हम इसे अनमैप की प्रक्रिया करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मैपिंग कर दी है, अब मैं इसको अनमैप करूँगा। तो फिर से हम यहाँ से अपने होम पोर्टल पर चलेंगे।
तो दोस्तों एक बार फिर स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और फिर से टीसी मैनेजमेंट पर चलेंगे और रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉर कैंसिल एडमिशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेम वही प्रोसेस फिर से अपनाएंगे और समग्र आईडी नंबर फिल करके फिर से गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टूडेंट डिटेल दिखाई दे जाएगी, जिस स्टूडेंट की आप अनमैपिंग कर रहे हैं या जिसकी टीसी जनरेट कर रहे हैं। तो अब स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको ये कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है वो आपको फिलअप करना है और रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉर अनमैप एंड टीसी इशू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये टीसी की रिक्वेस्ट जो है जनरेट कर दी गई है। अब हम इसे रोल लिस्ट में एक बार फिर से जा करके देखेंगे कि ये स्टूडेंट जो है दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अब आपको फिर से एक बार रोल लिस्ट देख लेनी है और जिस भी क्लास का स्टूडेंट है, तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो है उस स्टूडेंट का नाम इस पूरी लिस्ट में नहीं दिखाई देगा जिस स्टूडेंट की आपने अनमैपिंग की है। तो इसे एक बार कंफर्म जरूर कर लेना चाहिए कि नाम जो है दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर दोबारा नाम फिर भी दिखाई दे रहा है तो आपको एक बार फिर से अनमैप की प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।